नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पहले चरण का मतदान कल यानी कि 28 अक्टूबर को होना है। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने कई रैलियां की और तेजस्वी यादव ने भी कई धुआंधार रैलियां बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए की। नीतीश कुमार ने जहां पर लालू राज, लालू राबड़ी के शासन को याद दिलाने की लोगों को कोशिश की, तेजस्वी यादव के बारे में कई सारी बातें कही, वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को लेकर कई सारी बातें कही। कहीं कहीं पर तो तेजस्वी यादव ने ये तक कहा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं और कई सारी बातें हुई। लेकिन नीतीश कुमार के कई सारे बयान तेजस्वी यादव और लालू परिवार को लेकर कल भी सामने आए, जो सबों ने देखा। उसको लेकर तेजस्वी यादव ने आज बिल्कुल छोटे और कम शब्दों में जवाब दिया है, लेकिन करारा जवाब दिया है नीतीश कुमार को। ट्वीट किया है सुबह सुबह। हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार ऐसा लिखा क्या है। तेजस्वी यादव लिखते हैं, आदरणीय नीतीश जी, मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वचन है। नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए वो जो मन करे कुछ भी बोले, मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूँ। इस बार बिहार ने ठान लिया है कि रोटी, रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर सीधे सीधे नीतीश कुमार को ये कह दिया है कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए उनके मन में जो भी आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी नीतीश कुमार को इज्जत बख्श रहे हैं, आदरणीय कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वे मेरे बारे में जो भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वचन समान है, आशीर्वाद के समान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ये जवाब दिया है। बहुत ही भद्रता के साथ तेजस्वी यादव ने ये जवाब लिखा है, लेकिन ये जवाब बहुत करारा है। नीतीश कुमार को शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ तेजस्वी यादव यहाँ पर कह रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें ये भी कह रहे हैं कि उनकी लिखी हुई हर बात उनके लिए आशीर्वाद के रूप में है। और अंत में तेजस्वी यादव ये लिखते हैं कि इस बार बिहार ने ठान लिया है कि रोटी, रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। आपको पता है कि जिस तरह से इस बार का तेजस्वी यादव का चुनावी कैंपेन जो है वो युवाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बेरोज़गारी मिटाने की वो बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव अंततः यही कह रहे हैं कि इस बार चुनाव का मुद्दा रोटी, रोजगार और विकास ही होने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव के इस करारे बयान के बाद JDU या सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ पलटवार सामने आता है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद।